हेलो। जल्दी निकालो, उसमें कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तुम बताना इसमें कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। देखो सेकंड वाला केस, सेकंड है सीएन सीएन, ये ऐसे रहेगा। लीनियर शेप है ना, कार्बन ग्रेविटेशन एसपी है, कैंसिल होगा कि नहीं। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। नीचे तो बेंजीन है, सबके दोनों के लिए कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ये म्यू जीरो नॉन पोलर। सेम चीज आएगी सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच के साथ। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच लीनियर, सी एच लीनियर कैंसिल हो जाएगा इसमें भी नहीं, तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। मैं दोनों हटा रहा हूँ, ये क्या क्लियर है, ये क्लियर है। ये दोनों क्या होंगे नॉन पोलर लीनियर शेप। बेंजोनाइट्राइल था और 1,4 डाइथाइनाइल बेंजीन, ये दोनों नॉन पोलर। अब ओएच वाला केस, ओएच वाले केस में ना ये कुछ ऐसे मानते हैं इसमें, ये एक बार ओएच ऐसे, डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये, ऐसे मानते हैं कि इसमें कैंसिल हो गया लोन पेयर वगैरह सब कुछ। लेकिन एक केस ये ऐसे भी सकता है कि दोनों सेम रहे ऐसे, अब तो कैंसिल नहीं होगा ना, तो इसलिए ओवरऑल इसको म्यू नॉट इक्वल टू जीरो माना। ओवरऑल क्या माना है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज पोलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आता है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इट इज पोलर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और सेम केस किसके साथ आ जाएगा, दोनों पोलर है, ओ एच हो या एस एच हो। फिर वह नहीं, लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया तो क्या होगा ये। अब ऐसा नहीं कि अकेला सीएल आ गया, तुम इसको भी कहोगे तो लोन पेयर आ गया इसके पास भी, सीएल ऊपर सीएल नीचे, ये क्या होगा, अकेला एटम है ना, तो ये क्या होगा नॉन पोलर। ये तो बताया ना मैंने पीछे, ये नॉन पोलर है, मैं हटा रहा हूँ ये। फिनॉल और थायोल की, थायोल की फॉर्म, फिनॉल की फॉर्म और थायोल की फॉर्म दोनों क्या है पोलर। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये तीन रह गए। ये तीन देखो, सी ओ एच सेम चीज इसके साथ आएगी, सी ओ एच ये भी पोलर लिखना है इसको भी, ये पीछे बताया था मैंने सिस ट्रांस में। एक पॉसिबिलिटी इसमें कैंसिल नहीं होगा, लेकिन डबल बॉन्ड जो दूसरी साइड रख दूंगा तो उसमें मानते हैं कि कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या मानेंगे इसको, नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज पोलर। अब सी ओ नेगेटिव का तो एक ही केस बनेगा ना, एक सी ओ नेगेटिव ऐसे, माइनस हाफ माइनस हाफ, दूसरा सी ओ रेजोनेंस की वजह से माइनस हाफ माइनस हाफ, क्या क्लियर हुआ। तो इसमें कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, तो इसे इट इज नॉन पोलर। और SO3 नेगेटिव का केस,
SO3 नेगेटिव, इसमें भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आएगा ये नॉन पोलर, क्लियर है कि नहीं है। SO3H होता है तो उसको पोलर, SO3H SO3H तो क्या था पोलर, क्या समझ आ गए ये? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, तुम चेक कर लो पुराने पेपर्स, इसे पूछे हुए हैं मल्टीपल चॉइस में भी, तो इसको कर लेना जरूर। नेक्स्ट इसमें, इसमें बताना पोलैरिटी, इसमें पोलैरिटी कह लो या बॉन्ड एंगल, इसका क्वेश्चन एक पूछते हैं, ये तीनों को मिलाकर इन्हीं इन्हीं तीनों को लेके आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इन्हीं तीनों को लेके आएगा, बॉन्ड एंगल में या पोलैरिटी, बॉन्ड एंगल या पोलैरिटी। बॉन्ड एंगल या पोलैरिटी, ये अर्शी यस सर, अर्शी, तो तुम लोगों को एक क्वेश्चन मिस हो गया पीछे, मैंने एंट्री नहीं दी तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन था इस टाइप कि अगर एक सीएल आ जाए और एक CH3 आ जाए, एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग, एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग, मत बोल अर्जुन, इसमें डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर ये इधर, तो म्यू एंगल इसमें 0 है, एंगल 0 डेफिनेट हो जाएगी, एक्स एक की एक दूसरे की भी एक्स अगर मानते हैं, हालांकि सेम नहीं होंगी, तो 2x आ जाएगा इस केस में, ये ऊपर की तरफ ये इधर, तो एंगल आएगा ऐसे, ये ऊपर और ये ऐसे, एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री का, सही ना। अब इसमें ये ऊपर और ये नीचे की तरफ, तो इसमें एंगल कितना आ जाएगा 120 का, ऐसे आएगा कि नहीं, 120, समझ गए कि नहीं। ये तो इसमें आंसर आएगा पैरा फिर मेटा फिर ऑर्थो, और दोनों सेम ग्रुप्स हैं, यानी दोनों डोनेटिंग या दोनों विड्रॉइंग, तो आंसर होगा ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा, क्लियर है कि नहीं है। यस सर, अच्छा अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया, किसने निकाला ये, आंसर इसमें आएगा बॉन्ड एंगल, देखेंगे पहले जो बताऊंगा तुम्हें ध्यान रखना है, OH और NH2 में क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में, सबको पता होगा, रटा होगा ये सबको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट ईयर होमवर्क तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने देखा है इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जरूर आना है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसका, पता है ना, और जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये OH ये NO2, ये होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बना के लाना तुम लोगों में स्ट्रक्चर, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जब इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो OH और NO2 पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे 60 से एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ऐसे मानते हैं एंगल कम हो जाएगा, और उसके बाद CH3 CH3, उसके इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा Cl CH3 CH3, इसमें नॉर्मल एंगल 60 डिग्री का, इसमें नॉर्मल 60 डिग्री एंगल, अब Cl लोन पेयर है, Cl लोन पेयर है, बल्कि भी है, रिपल्शन होगी, एंगल 60 से, थीटा ग्रेटर देन 60, थीटा इक्वल टू 60 और थीटा लेस देन 60, थीटा लेस देन 60, समझ गए कि नहीं है, तो ये बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये कर लेना, दोनों CH3 नॉर्मल, दोनों Cl में लोन पेयर हैं, तो रिपल्शन होगी, थीटा ग्रेटर देन 60 और OHNO2 ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलर बॉन्डिंग, दोनों ग्रुप पास आएंगे, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे ये दिया, ये तुमने कर लिया अभी, HF HCl HBr HI, बॉन्ड पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट ऑर्डर याद है ना, अगला ग्रुप H2O H2S H2S H2TE, इसमें क्या होगा, सेम आंसर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, सेम चीज आएगी इसमें, सेम चीज आ गई, फिर उससे अगला ग्रुप NH3 PH3 AS3 SbS3, इसमें ना इस वाले क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बॉन्ड पोलैरिटी में भी अरेंज करना है और डाइपोल में भी अरेंज करना है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, NH3 PH3 AS3 SbS3, बॉन्ड पोलैरिटी में भी अरेंज करना है, बॉन्ड की पोलैरिटी में भी अरेंज करना है, और साथ में
डाइपोल मोमेंट होगी ओवरऑल। कर लिया चल चल वहां से उड़ जा कौन बज रहा कर लिए। देखो डायप्लोमेट का आंसर यही है जो था पीछे रीजन NH3। पहले बॉन्ड पोलैरिटी देख लो ये तुम्हें याद होगा ऊपर की तरफ डायरेक्शन ये भी ऊपर ये भी ऊपर ध्यान है कि नहीं है ये आएगा। अब P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1 याद है कि नहीं। H की भी कितनी है 2.1 AS की 1.8 इसकी 1.7 और H की कितनी है 2.1 2.1 ये है कि नहीं। तो इसलिए डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगे कि नहीं डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएंगी तो वैल्यू कम हो रही है। ओवरऑल लोन पेयर की वजह से जैसे अगर PS3 है अगर मैं यही लेता हूं तो इसमें डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर के ऊपर ये है। क्या ये PH बॉन्ड पोलर होगा या बहुत कम पोलर होगा कि नहीं। बहुत कम पोलर क्यों होगा दोनों की इलेक्ट्रोनिटी क्या है सेम है और AS3 के किस में डायरेक्शन कहां हो जाएंगी नीचे हो जाएंगी और SBS3 में और नीचे और ज्यादा जाएगी। अब बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो NH बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर उसके बाद कौन सा होगा SBH उसके बाद ASH लीस्ट पोलर होगा PH याद रहेगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड पोलैरिटी पूछी है तो ऐसे करना है ना बॉन्ड पोलैरिटी पूछा है तो ये करना है SPH वाला है। ये क्लियर होगा कि नहीं है नेक्स्ट नेक्स्ट में नेक्स्ट जैसे अब इस टाइप के क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक से रिलेटेड है क्लोरोबेंजीन मिथाइल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 12th क्लास के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में है और आते हैं पेपर के अंदर अल्काइल से क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन मिथाइल क्लोराइड विच इज मोर पोलर विच इज हैविंग ग्रेटर डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन और यहाँ पे कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है SP2। Cl पे चार्ज नेगेटिव आना है CS3 पे पॉजिटिव जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होगा उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट। इधर कार्बन क्या है SP2 SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन इस SP3 से इस SP3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा Cl को कि कम देगा कम देगा कम देगा ना ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इट इज लेस विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन कम होगी CH3 Cl की ज्यादा होगी फिर हुआ कि नहीं है। अल्काइल हैलाइड्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन्स तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा हो जाएगा। वेयर एज इन केस ऑफ एराइल हैलाइड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सो लेस विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन इसकी डिप्लोमेंट अल्काइल हैलाइड की ज्यादा होती है देन एराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड की डिप्लोमेंट ज्यादा देन एराइल हैलाइड सेम केस आएगा फिनोल और मिथेनॉल के अंदर इसी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिथेनॉल मिथेनॉल की ज्यादा। और अगर मैं इनको कंपेयर करूं एल्डिहाइड और कीटोन से तो इसके बाद एल्डिहाइड की और इसके बाद कीटोन इसके बाद कीटोन की एल्डिहाइड कीटोन की डबल बॉन्ड क्यों ज्यादा है एल्कोहल से क्योंकि इनके अंदर कौन सा बॉन्ड है
पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो आसानी से ऊपर ऊपर ही हो जाएंगे, तो चार्जेस बढ़ जाएंगे कि नहीं, चार्जेस बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। और कीटोन की ज्यादा होती है एल्डिहाइड्स, रिपल्शन ज्यादा, एंगल ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक साइड एंगल बढ़ जाएगा सी थ्री सी थ्री के बीच में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का एंगल कम हो जाएगा, एंगल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ये याद रखना, सब क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जब अच्छी बुक्स करोगे तो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, तो ये कर लेना जरूर। फिनॉल में फिनॉल बता दिया, नेक्स्ट सी एस थ्री सी एन, साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, डाइप्रोमेट, डाइप्रोमेट इसमें क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव बढ़ेगी कि नहीं, और इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव, सी पॉजिटिव होगा नेगेटिव, कैंसिल होगी कि नहीं, साइनाइड की ज्यादा देन आइसोसाइनाइड, सी एस थ्री एनओ टू और सी एस थ्री ओ एनओ, सी एस थ्री एनओ टू सी एस थ्री ओ एनओ, डाइप्रोमेट नाइट्रोइल केन्स एल्काइल नाइट्राइड, डाइप्रोम किससे ज्यादा होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेट बढ़ेगी, नेट बढ़ेगी इसमें, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, तो इसमें कुछ कैंसिल भी होती है, तो डाइप्रोम इसकी कम हो जाएगी, ये लीनियर शेप नहीं आएगी, लीनियर गलत दिखा रखी है, ये कुछ इस टाइप की शेप आती है, ये शेप आएगी, सी एस थ्री ओ एन ओ, सी एस थ्री ओ एन एल्काइल नाइट्राइड, तो साइनाइड की ज्यादा आइसोसाइनाइड से, नाइट्रोइल केन्स ज्यादा मिथाइल एल्काइल नाइट्राइड से, फिनॉल की कम मिथिनॉल की ज्यादा, एल्डिहाइड की टोन की ज्यादा डाइप्रोमेट देन एल्कोहल, पाई बॉन्ड आगे रखती है, एल्काइल हैलाइड की ज्यादा देन एराइल हैलाइड, देन एराइल हैलाइड, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है ये बताना है, या ऑर्डर ऑफ डाइप्रोम में अरेंज भी कर दो, वन ऑर्डर ऑफ डाइप्लोमेट अरे अरे का। हाँ ये 8 दे रखे ऑर्डर ऑफ डाइप्लोमा, डाइप्लोमेट के क्वेश्चन लगभग हो गए सर, सही ना, डाइप्लोमेट के क्वेश्चन हो गए, हो गए। अरे कर दिए बोल, थ्री इक्वल टू सिक्स, ग्रेटर देन वन इक्वल टू फोर इक्वल टू फाइव, ग्रेटर
ये आंसर दे दिया। चलो देखते हैं और किसी बोलना है, सुन लेंगे एक बार, एक बार सुन लेंगे। इसमें ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इसकी रहेगी डेवलपमेंट की नहीं, एक्स मान लो एक्स रहेगी सही है। दूसरा इसमें तो पूरा ही कैंसिल, इन दोनों नेट रिजल्ट यहाँ पे जीरो, म्यू जीरो इसका। इसमें एक्स रहेगी, ये कैंसिल हो जाएंगे तीनों, तो ये एक्स रहेगी। इस वाले में, इसमें भी एक्स, क्योंकि ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये बच जाएगी तो एक्स। इसमें भी एक्स, इसमें, इसमें भी एक्स, इस वाले में जीरो और इस वाले में कुछ रहेगी, बहुत कम होगी, कुछ तो रहेगी ना इसमें, क्योंकि एक sp3 कार्बन है, एक sp2 कार्बन है, इसमें कुछ रहेगी। तो कितने, जिसकी डबल है वो सब इक्वल है, बस एक एट्थ वाले की कम। तेरा तो गलत अमीर हो रहा बीच है। चलो इसमें अब पहले फोर फोर थ्री थ्री नहीं थ्री नहीं सॉरी पहले वन थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 3 4 5 6 ये सबसे ज्यादा और इक्वल, 1 3 4 5 6 इक्वल और सबसे ज्यादा। इक्वल और सबसे ज्यादा, उसके बाद एट, और एट के बाद टू, एट के बाद 2 इक्वल टू 7। अच्छा ये इक्वल आएंगे ना, तो यही है ना, एक बार देखने चेक करना किसका सही हुआ था। तेरा भी सही है, 11th को समझ आ गया कि नहीं है? इजी क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं पेपर में, कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, ये कैसे करके निकालना आना चाहिए। मेटा डाइक्लोरोबेंजीनो या क्लोरोबेंजीनो, दोनों के डाइक्लोरो सेम है, पीछे मैं प्रूव कर चुका हूँ है ना, म्यू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर कॉस 120, उससे आ जाएगा आंसर एक्स। क्लियर हो गई है? तो डाइक्लोरोबेंजीनो के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जितना बताया ना इतना तो करना ही है, सिस ट्रांस पे ज्यादा ध्यान देना है और ऑर्थो मेटा पैरा वाले क्वेश्चन पे, जो अच्छे क्वेश्चन करते हैं तो, और स्कूल के लिए NH3 NF3। अच्छा नेक्स्ट सब जो है इसके अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी पूछा जाता है, इसके अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर, जैसे डाइपोलमेंट ऑफ, जल्दी करेंगे, डाइपोलमेंट ऑफ HCl इज 1D, पता है ना कोई, 1D बाय HCl बॉन्ड लेंथ इज, HCl बॉन्ड लेंथ इज से 1.5 एंगस्ट्रॉम, HCl बॉन्ड लेंथ इज 1.5 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट इट्स परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार नीट में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर। डायप्रोमेट की एप्लीकेशन में आ जाएगा ये, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना, रिएक्टिविटी निकालना, बॉइलिंग पॉइंट निकालना, मेल्टिंग पॉइंट निकालना, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा एप्लीकेशन। कैलकुलेट परसेंटेज यानी करेक्ट, जल्दी निकालेंगे, एक दो क्वेश्चन और अभी। बोलना किसी को आंसर, देखो जरा
म्यू एच सी एल दे रखा है 1D, यानी डेप्रोम एच सी एल की, ये एच सी एल इसका बोला परसेंटेज आयनिक रिएक्शन का लो, पूरा तो आयनिक होता नहीं है, चार सेपरेशन हो गया लेकिन पूरा आयनिक तो नहीं है। अगर ये पूरा आयनिक होता तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना आता, 1.6 इंटू 11 19 या 4.8 इंटू 10। डायप्रोमेट इसकी 1D है, मैं अगर मानता हूँ ये 100% आयनिक है, 100% आयनिक है, तो म्यू उसका चाहो तो तुम उसका म्यू निकाल लो, म्यू कितना आएगा 4.8 इंटू 10 ESU में इंटू 1.5 इंटू 10⁻¹ सेंटीमीटर में, यूनिट ध्यान रखना जरूर, 10⁻¹। तो ये 4.8 इंटू 1.5 7.2, एक बार चेक करना, यही आएगा ना, प्लस 2.4 ऐड करना है, 7.2 इंटू 10⁻¹ ये आ गया ESU सेंटीमीटर में आंसर आया अभी, दिस इज इक्वल टू 7.2D। अगर ये 100% आयनिक होता तो उसकी डायप्रोमिटी कितनी होती, 7.2D, दे कितनी रखी है 1D, तो परसेंटेज आयनिक रिएक्टर कितना हुआ, 1/7.2 × 100। एक बार चेक करना, 16 पॉइंट समथिंग परसेंट आ गया कि नहीं, 14.784, 14.798 होता ना, सर 14 पॉइंट आ रहा है, 14 पॉइंट समथिंग आएगा ना, क्योंकि ना इसका आंसर मेरे को ध्यान है 16.67% होता है ऑप्शन में हमेशा, इसके बाहर आया नहीं आज, इसलिए बोलो 16.67%, अभी तो 14 आ रहा है ना शायद, एचसीएल वैसे भी कोवेलेंट कंपाउंड है तो लेस देन 50% ही आएगा, समझ आएगा कि नहीं है। तरीका बता कैसे निकालना है, या तो जो दे रखा है तुम्हें म्यू दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, इसे क्यों निकल जाएगा, वो क्यों निकल जाएगा, वो 4.8 इंटू 10⁻¹ से लेस होगा, डिवाइड किससे कर देंगे, 4.8 इंटू 10⁻¹ से 200, समझ गए कि नहीं है, उससे भी निकाल सकते हैं, ये समझ आ गया सबको कि नहीं, मनी को समझ नहीं आया, नोट कर लेना ढंग से और रिपीट जरूर कर लेना क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, अगला कर ले उससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसीएल की डायप्रोमेट दे रखी है या एनएसीएल की डायप्रोमेट दे रखी है से 10⁻²⁹ कूलम मीटर, 2 × 10⁻²⁹ कूलम मीटर, और डिस्टेंस दे रखा है इसका, डिस्टेंस दे रखा है से 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इसका डिस्टेंस है केसीएल का, तुम्हें निकालना है इसका परसेंटेज आयनिक रिएक्टर, सेम क्वेश्चन है, निकालो जल्दी से, नोट करना तो नोट कर लेना, पीछे वाला कर लिया, निकाल लिया, म्यू निकालना है, म्यू निकालो, क्यू इंटू डी, क्यू की वैल्यू क्योंकि कूलम मीटर में है तो क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻¹ आएगा, डिस्टेंस 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है यानी 10⁻¹ आएगा, तो अगर ये 100% आयनिक है, निकलता रह गया आंसर ज्यादा आ गया, तो 1.6 इंटू 10⁻¹ आ गया ना 100% में, तो उसको कम करना पड़ेगा, ये तो 100% क्लियर है ना, तो इसको अगर मैं 1 रहने देता हूँ, कुछ भी किस कहीं भी कन्वर्ट कर ले, यूनिट तो सेम रहने देते, ये 10⁻²⁹ रखना सही ना, 10⁻²⁹ रखना, 2 रखोगे तो गलत हो जाएगा कुछ, तो परसेंटेज आने का करेक्टर कितना हो जाएगा, 10⁻²⁹ डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻²⁹ इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100 बाय, तो 60% के आसपास आएगा कुछ, 60% के कुछ आसपास आएगा, 63, 60 से 48 होता है ना, 16, चलो 60, 62.5 या 6%,
ये तुम कर लेना कैलकुलेशन है, 62.5% मान लो, समझ आ गया कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों सेम थे क्वेश्चन। डाइपोलमेंट ऑफ H2O इज 1.5D, 1.85 होती है वैसे, एग्जैक्ट याद है ना, वैल्यू पे ध्यान दिया करो। डाइपोलमेंट ऑफ OH बॉन्ड इज 1.2D, कैलकुलेट HOH बॉन्ड एंगल। कैलकुलेट HOH बॉन्ड एंगल। और भी क्वेश्चन है इसके, और भी इसके क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें कराऊंगा बाद में, एक आध क्वेश्चन और है बस। डाइपोलमेंट टॉपिक खत्म हो चुका है पूरा, ये डाइपोल मोमेंट टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। सही है, जल्दी से आंसर बता देंगे इसका, लास्ट क्वेश्चन है। लोन पेयर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ ये ध्यान का चीज का, नहीं तो लोन पेयर की वैसे भी डेप्रूवल होती है, कंसीडर नहीं करना इसमें। म्यू एच टू इक्वल टू क्या आएगा, म्यू ओ एच का स्क्वायर प्लस म्यू ओ एच का स्क्वायर प्लस 2 म्यू ओ एच का स्क्वायर कॉस थीटा, यही होगा फॉर्मूला कि नहीं, रूट में ये आएगा फॉर्मूला। म्यू एच टू देखा 1.5 डी, म्यू ओ एच 1.2, 2 × 1.2 का स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा, 1 cos थीटा आएगा ब्रैकेट में, एक बार चेक करना, ये आ रहा है कि नहीं, यही आएगा कि नहीं। 1 cos थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा बाई 2, 2 cos² थीटा बाई 2, इससे सॉल्व करके मैंने खुद निकालना पड़ेगा, 2 cos 5/8 थीटा आएगा, 2 cos 5/8। cos 5/8 तरीका बदल गया कि नहीं, म्यू एच टू ओ 1.5 डी, ओ एच बॉन्ड लेंथ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक और लेंगे वैल्यू इसकी लगी, एंगल, एंगल एच ओ एच 104.5 डिग्री। फाइंड चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ये खुद ट्राई कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, गलती करोगे लास्ट में जाकर। फाइंड चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, नहीं कंसिडर नहीं कर, ध्यान रखना अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो लोन पे कंसिडर होगा, प्लस म्यू लोन पे लिखना जरूर। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, एक एच टू दूंगा एक डी टू दूंगा, तो एक जगह से लोन पे की वैल्यू निकालेंगे दूसरे में खुद करेंगे। मेरी बात